लेट्स बिगिन। ब्लड जो कि फ्लूइड ऑफ लाइफ और एक मोबाइल कनेक्टिव टिश्यू है, और ये फ्लूइड और कॉर्पसल का बना है। ये हमारी बॉडी का सबसे सॉफ्ट टिश्यू है। ये एल्केलाइन नेचर, जिसकी पीएच 7.4 और आर्टरीज वेन्स में फ्लो करने वाला फ्लूइड है। एक 70 केजी वेट वाले पर्सन की बॉडी में तकरीबन 5.5 लीटर ब्लड होता है, और ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का 30-35% पोर्शन कॉन्स्टिट्यूट करता है। ब्लड को दो मेन कंपोनेंट्स में क्लासिफाइड किया गया है, फ्लूइड पार्ट जो कि प्लाज्मा है, और दूसरा कंपोनेंट फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं। फॉर्म्ड एलिमेंट्स को फर्दर तीन कंपोनेंट में क्लासिफाइड किया गया है। नंबर 1 आरबीसी और रेड ब्लड कॉर्पसल्स, नंबर 2 डब्ल्यूबीसीज और वाइट ब्लड कॉर्पसल्स, एंड नंबर 3 प्लेटलेट्स। डब्ल्यूबीसी के दो मेन कंपोनेंट्स हैं ए ग्रैनुलोसाइट्स एंड ग्रैनुलोसाइट्स। ए ग्रैनुलोसाइट की दो टाइप हैं, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स, जबकि ग्रैनुलोसाइट के तीन टाइप्स हैं, बेसोफिल्स, इओसिनोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। अब सबसे पहले प्लाज्मा क्या है। प्लाज्मा एक येलो कलर्ड एल्केलाइन फ्लूइड है, और ब्लड का 55% पोर्शन कॉन्स्टिट्यूट करता है। इसमें 90% वाटर, 7% प्लाज्मा प्रोटीन जैसे कि एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, इम्यूनोग्लोबुलिन, प्रोथ्रोम्बिन एंड फिब्रिनोजन, 0.9% मिनरल साल्ट्स जैसे कि सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम के क्लोराइड्स, बाइकार्बोनेट्स, सल्फेट्स, फॉस्फेट्स होते हैं, और बाकी डिफेंसिव कंपाउंड्स जैसे कि इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो एंटीबॉडी की तरह काम करते हैं। लाइसोजाइम पॉलीसेक्राइड और प्रोपरडीन लार्ज प्रोटीन की फॉर्म में होते हैं। नॉन प्रोटीन नाइट्रोजन जो कि यूरिया, यूरिक एसिड और क्रिएटिनिन की फॉर्म में होती। गैसेस जैसे कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन। एंटी कोएगुलेंट जैसे कि हेपरिन जो ब्लड वेसल में ब्लड क्लॉटिंग को प्रिवेंट करते हैं, और हॉर्मोन्स, विटामिन्स, एंजाइम्स भी प्लाज्मा पार्ट का हिस्सा हैं। और ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर जो कि इनएक्टिव फॉर्म में प्लाज्मा में पड़े होते हैं, और क्लॉटिंग फैक्टर के बिना प्लाज्मा को सीरम बोला जाता है। ब्लड का दूसरा मेन कंपोनेंट फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं, और इसके तीन पार्ट्स हैं। नंबर 1 आरबीसी, नंबर 2 डब्ल्यूबीसी, नंबर 3 प्लेटलेट्स। अब नंबर 1 आरबीसी और इरिथ्रोसाइट्स जो मेल में 5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर और फीमेल में 4.5 मिलियन क्यूबिक मिलीमीटर होते हैं। ब्लड लॉस, हेमोरेज और डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी हीमोलिसिस के कारण एनीमिया नाम की डिजीज भी हो जाती है। अगर ब्लड में आरबीसी का नंबर एबनॉर्मली इंक्रीज कर जाए तो पॉलीस्थीमिया, और एबनॉर्मली डिक्रीज कर जाए तो इरिथ्रोसाइटोपिनिया बोलते हैं। ऑक्सीजन की शॉर्टेज जैसे कि हिली एरियाज में के कारण किडनीज एक फैक्टर इरिथ्रोपोइटिन रिलीज करती हैं, जो बोन मैरो, एक ऐसा टिश्यू जो हमारी लॉन्ग बोन के एंड्स में होता है, उसे स्टिमुलेट करके आरबीसी की प्रोडक्शन करवाता है।
एडल्ट मैमल में ई न्यूक्लिएटर बिना न्यूक्लियस वाई कनकेव सर्कुलर आरबीसी होते हैं। कैमल और ललामा को छोड़ के जिनमें ओवल टाइप के आरबीसी होते हैं। आरबीसी साइड व्यू में वाई कनकेव और सरफेस व्यू में सर्कुलर डिस्क लाइक नज़र आते हैं। आरबीसी डायामीटर में 7 to 8 माइक्रोन और थिकनेस में 1 to 2 माइक्रोन थिक होते हैं और ब्लड को रेड कलर भी इम्पार्ट करते हैं, क्योंकि इनमें रेड कलर का पिगमेंट जो कि हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन एक कंजुगेटेड प्रोटीन है और ये दो पार्ट का बना है, एक नॉन प्रोटीन पार्ट जो कि हीम और दूसरा प्रोटीन पार्ट जो कि ग्लोबिन पार्ट है। हीम पार्ट आयरन और पोरफायरिन से मिलकर बना है और ग्लोबिन पार्ट 4 पॉलीपेप्टाइड चेन का बना है, जिसमें 2 अल्फा नेचर और 2 बीटा नेचर की चेन्स हैं। एक आरबीसी में 280 मिलियन के करीब हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स होते हैं और ये वर्टिब्रेट्स वर्टिब्रल कॉलम वाले एनिमल्स में ऑक्सीजन कैरिंग पिगमेंट है और इससे मिलता जुलता कॉपर कंटेनिंग पिगमेंट हीमोसाइनिन मोलस्क्स और आर्थ्रोपोड्स टाइप के इनवर्टिब्रेट्स में पाया जाता है और ये डी ऑक्सीजनेटेड फॉर्म में तो कलरलेस और ऑक्सीजनेटेड फॉर्म में ब्लू कलर का होता है। और कुछ एनिलिड्स जैसे अर्थवॉर्म और मलस्क्स इनवर्टिब्रेट्स में भी हीमोग्लोबिन पाया जाता है, लेकिन मैमल जिनके आरबीसी में पाया जाता है के मुकाबले में ये एनिलिड्स और मलस्क में प्लाज्मा पार्ट जो कि फ्लूइड पार्ट है उसमें पाया जाता है। ये 100 ml ब्लड में 12 टू 16 ग्राम होता है और वोमेन में मेंस्ट्रुएशन के कारण इसकी अमाउंट थोड़ी कम होती है। आयरन और प्रोटीन्स इसकी सिंथेसिस के लिए रॉ मटेरियल का काम करते हैं। आरबीसी की सिंथेसिस को एरिथ्रोपोइसिस बोलते हैं और एम्ब्रियोनिक लाइफ के दौरान प्रीमिटिव न्यूक्लिएटेड आरबीसी प्रोड्यूस होते हैं और शुरू में योक सैक इनकी प्रोडक्शन करता है और फिर स्प्लीन, और जैसे ही लीवर की डेवलपमेंट होती है तो ये एक्टिविटी लीवर को शिफ्ट कर जाती है। और एडल्ट कंडीशन में बोन मैरो टिश्यू इनकी प्रोडक्शन करता है। विटामिन B12 और फॉलिक एसिड आरबीसी की मैचुरेशन में रोल प्ले करते हैं, यानी कि आयरन प्रोटीन B12 फॉलिक एसिड ये सभी आरबीसी और हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन के लिए बहुत असेंशियल हैं और इनमें से किसी भी न्यूट्रिएंट की अगर हमारी बॉडी में कमी हो जाए तो एनीमिया नाम की डिजीज़ होती है। और अगर आरबीसी ज़रूरत से ज़्यादा बन जाए तो स्प्लीन उसे स्टोर कर लेती है। आरबीसी का लाइफ स्पैन 120 दिन का है और रेस्टिंग और स्लो फ्लोइंग ब्लड में आरबीसी पाइलअप करके रोलेक्स फॉर्मेशन भी करते हैं और इसमें फिब्रिनोजन प्रोटीन का मेन रोल है। दूसरा कंपोनेंट फॉर्म्ड एलिमेंट्स का WBC, जिन्हें हम ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं, और प्रति माइक्रोलीटर ब्लड में पाए जाने वाले ल्यूकोसाइट के लिए TLC टोटल ल्यूकोसाइट काउंट टर्म से जाना जाता है। ये 1 mm³ ब्लड वॉल्यूम में 6000 टू 8000 की रेंज में होते हैं। TLC में अगर इंक्रीज हो जाए तो ये एक्यूट
बैक्टीरियल इन्फेक्शन की इंडिकेशन देता है। WBC काउंट में राइज होने की कंडीशन को ल्यूकोसाइटोसिस कहा जाता है, और अगर WBC काउंट में एबनॉर्मल इंक्रीज हो जाए तो इसे ल्यूकेमिया और ब्लड कैंसर, और एबनॉर्मल डिक्रीज हो जाए तो ल्यूकोपीनिया बोला जाता है। ELC एक इम्पोर्टेंट डायग्नोस्टिक टेक्निक है वायरल, मलेरियल, टाइफाइड और ट्यूबरक्लोसिस के इन्फेक्शन को जानने के लिए। अगर WBC की शेप की बात करें तो राउंडेड और इरेगुलर शेप हो सकती है, और WBC स्क्वीज आउट करके ब्लड कैपिलरी से टिश्यू में भी चले जाते हैं, और इस फिनोमिनन को डायापडीसिस कहते हैं। और ये कलरलेस होते हैं क्योंकि इनमें हीमोग्लोबिन पिगमेंट नहीं होता है, और इनके साइटोप्लाज्म में सभी प्रकार के सेल ऑर्गेनेलीज जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गाई अपरेटस, सेंट्रियोल इत्यादि होते हैं, जबकि RBC में ये ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट नहीं होते हैं। ल्यूकोसाइट्स की फॉर्मेशन को ल्यूकोपोइसिस बोलते हैं, और इनका लाइफ स्पैन 1 वीक से भी कम होता है। ल्यूकोसाइट्स या WBC को 2 इम्पोर्टेंट कंपोनेंट में क्लासिफाइड किया गया है, जिसमें नंबर 1 ए ग्रैनुलोसाइट्स और नंबर 2 ग्रैनुलोसाइट्स। अब पहले ए ग्रैनुलोसाइट्स क्या हैं? जिन WBC के साइटोप्लाज्म में एसिडिक और बेसिक ग्रेन्यूल्स नहीं होते हैं उन्हें ए ग्रैनुलोसाइट्स बोला जाता है, और ये 2 प्रकार के हैं, एक मोनोसाइट्स और दूसरा लिम्फोसाइट्स। अब सबसे पहले मोनोसाइट्स, ये लार्जेस्ट WBC होते हैं और इनमें बीन शेप्ड न्यूक्लियस होता है, और ये मोटाइल और फैगोसिटिक नेचर के होते हैं, यानी ये बैक्टीरिया और सेलुलर डेवरिस को एनगल्फ कर जाते हैं, और ये ब्लड से टिश्यू स्पेसिस में मूव कर जाते हैं, और मैक्रोफेजिस जो इम्यूनिटी में भी रोल प्ले करते हैं उनमें बदल जाते हैं। और ये ल्यूकोसाइट्स का 2-10% पोर्शन कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। सेकेंड लिम्फोसाइट्स, ये साइज वाइज स्मॉलेस्ट WBC हैं, और इनमें लार्ज राउंडेड शेप का न्यूक्लियस होता है, और साइटोप्लाज्मिक पोर्शन बहुत कम होता है। ये नॉन मोटाइल और नॉन फैगोसिटिक नेचर के होते हैं, और इनकी 2 मेन टाइप्स हैं, बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट जो बोन मैरो में ही प्रोड्यूस और मैच्योर होते हैं, और एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन करके ह्यूमरल इम्यूनिटी में रोल प्ले करते हैं, जबकि टी लिम्फोसाइट की प्रोडक्शन तो बोन मैरो में होती है लेकिन मैचुरेशन थाइमस ग्लैंड जो हार्ट के नज़दीक होती है उसमें होती है, और इनका रोल सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में होता है। ये WBC का 20-25% कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। और WBC की सेकेंड टाइप्स ग्रैनुलोसाइट्स है, और जिन WBC के साइटोप्लाज्म में एसिडिक और बेसिक और दोनों प्रकार के ग्रैन्यूल्स होते हैं उन्हें ग्रैनुलोसाइट्स बोलते हैं। ग्रैनुलोसाइट्स 3 प्रकार के होते हैं, नंबर 1 बेसोफिल्स, नंबर 2 ईओसिनोफिल्स और नंबर 3 न्यूट्रोफिल्स। अब सबसे पहले नंबर 1 बेसोफिल्स, जिसमें ट्राइलोब्ड न्यूक्लियस और एसिडिक नेचर के ग्रैन्यूल्स होते हैं, ये बेसिक स्टेन लेते हैं जैसे कि मिथाइलिन ब्लू। ये हेपरिन, सेरोटोनिन और हिस्टामिन जैसे मॉलिक्यूल्स सिक्रीट करते हैं। ये WBC का 0-1% कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। सेकेंड ईओसिनोफिल्स, WBC जिनके साइटोप्लाज्म में बेसिक ग्रैन्यूल्स और
बाईलोड न्यूक्लियस होता है और ये एसिडिक स्टेन जैसे कि ईओसिन लेते हैं, ये WBC का 2-3% कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। एलर्जिक कंडीशन जैसे कि अस्थमा या हे फीवर में इनका नंबर इंक्रीज हो जाता है। ये नॉन फैगोसिटिक नेचर के होते हैं और ब्लड क्लॉट को डिसॉल्व करने में हेल्प करते हैं। तीसरी टाइप ग्रैनोसाइट्स की न्यूट्रोफिल्स हैं। ये दोनों तरह की डाई और स्टेन एसिडिक या बेसिक ले सकते हैं क्योंकि इनमें दोनों तरह के ग्रैन्यूल्स होते हैं, एसिडिक और बेसिक। ये मोस्ट अबंडेंट WBC होते हैं, ये WBC का 70% कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। ये मोनोसाइट की तरह ही फैगोसिटिक नेचर के होते हैं। फॉर्म्ड एलिमेंट का तीसरा कंपोनेंट थ्रोम्बोसाइट्स और ब्लड प्लेटलेट्स है और ये ब्लड में 150,000 से लेके 350,000 प्रति मिलीमीटर क्यूब में होते हैं और ये एक्चुअल में सेल फ्रैगमेंट्स होते हैं। ये कलरलेस होते हैं और इनका लाइफ स्पैन 1 वीक के आसपास का होता है। अगर इनका नंबर इंक्रीज कर जाए तो थ्रोम्बोसाइटोसिस और अगर डिक्रीज कर जाए तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया बोलते हैं। ये ब्लड क्लॉटिंग में रोल प्ले करते हैं। अब ब्लड के फंक्शन की बात करें तो नंबर 1 ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड मटेरियल जैसे कि ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, फैटी एसिड्स इत्यादि प्लाज्मा पार्ट की हेल्प से एलिमेंट्री कैनाल से बाया लिम्फ, लीवर और फिर बाकी टिश्यू में जाके ग्रोथ, रिपेयर, स्टोरेज और एनर्जी में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सेकेंड, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट प्लाज्मा पार्ट भी करता है और RBC में हीमोग्लोबिन भी करता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ मिलके ऑक्सीहीमोग्लोबिन की फॉर्म में ऑक्सीजन को लंग से टिश्यू की तरफ और CO2 के साथ मिलके कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन की फॉर्म में CO2 को टिश्यू से लंग्स की तरफ ट्रांसपोर्ट करता है। थर्ड, ट्रांसपोर्ट ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स, प्लाज्मा नाइट्रोजीनस वेस्ट प्रोडक्ट्स जैसे कि यूरिया, यूरिक एसिड और क्रेटिनिन को लीवर से किडनी की तरफ ट्रांसपोर्ट करके उनके रिमूवल में हेल्प करता है। सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल, प्लाज्मा पार्ट ग्लैंड्स को अपने प्रोडक्ट्स जैसे कि हॉर्मोन्स और अदर सेक्रेशन के लिए रॉ मटेरियल की सप्लाई करता है। फिफ्थ, ट्रांसपोर्ट ऑफ हॉर्मोन्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स भी अपना सेक्रेशन जैसे कि हॉर्मोन्स ब्लड में ही रिलीज करती हैं और ब्लड उन्हें अदर टिश्यू तक पहुंचाता है। सिक्स्थ, रेगुलेशन ऑफ pH, प्लाज्मा में वफर्स जैसे कि प्रोटीन्स, मिनरल साल्ट्स होते हैं और जो ब्लड में एंटर करने वाले एसिड्स और बेसिस को न्यूट्रलाइज करके बॉडी फ्लूइड्स की pH को रेगुलेट करता है। 7th, रेगुलेशन ऑफ वाटर बैलेंस, प्लाज्मा पार्ट टिश्यूज़ को वाटर सप्लाई करके और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में जो एक्सेस वाटर प्रोड्यूस होता है उसे रिसीव करके बॉडी के बीच वाटर को भी रेगुलेट करता है। रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, प्लाज्मा हीट को हाई मेटाबॉलिक ऑर्गन से दूसरे टिश्यूज़ की तरफ कैरी करके बॉडी टेम्परेचर को भी मेंटेन करता है। 9th,
प्रिवेंशन ऑफ ब्लड लॉस, ब्लड में प्रोथ्रोम्बिन और फिब्रिनोजन प्रोटीन्स प्लेटलेट के साथ ब्लड क्लॉटिंग करके इंजरी से होने वाले ब्लड लॉस को भी रोकते हैं। 10th, इम्यूनिटी, ब्लड में प्रेजेंट बी लिम्फोसाइट्स एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन करके ब्लड में एंटर करने वाले इंटरसेलुलर पैथोजन को डिस्ट्रॉय करके बॉडी को कई डिजीजेस के अगेंस्ट इम्यूनिटी भी प्रोवाइड करते हैं। 11th, फैगोसाइटोसिस, ब्लड में प्रेजेंट वाइट ब्लड कॉर्पसल्स जैसे मोनोसाइट्स और न्यूट्रोफिल्स, ये माइक्रोब्स को एनगल्फ करके बॉडी को इन्फेक्शन से बचाते हैं और माइक्रोब्स को इंगल्फ करने की प्रोसेस को फैगोसाइटोसिस बोलते हैं। 12th, क्लीनिंग ऑफ बॉडी, ब्लड में प्रेजेंट न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स डेड सेल को भी फैगोसाइटाइज करके बॉडी की स्क्वेंजिंग यानी क्लीनिंग करते हैं और इन्हें ब्लड के स्क्वेंजर्स भी बोला जाता है। 13th, टिश्यू फ्लूइड एंड लिम्फ फॉर्मेशन, प्लाज्मा पार्ट टिश्यू फ्लूइड और लिम्फ फॉर्मेशन में भी कंट्रीब्यूट करता है। वुंड्स हीलिंग, लिम्फोसाइट्स स्कार फॉर्मेशन करवा के वुंड्स हीलिंग में भी रोल प्ले करते हैं। 15th, होम्योस्टेसिस, ब्लड का प्लाज्मा पार्ट बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट को सेल्स के लिए सुटेबल बना के होम्योस्टेसिस में भी रोल प्ले करता है। थैंक्स।